आलू की सूखी सब्जी अक्सर हम बनाया करते हैं, जिसमें मसालों के साथ टमाटर प्याज की ग्रेवी के साथ भी बनता है। आज हम बनाएंगे हरियाली आलू, जो थोड़ी सी अलग रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और सारे इन्ग्रीडियंट्स वही हैं जो हम बेसिक कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें 5 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए, जिसे हमें पील करने के बाद 4 टुकड़ों में इस तरह से काट लेना है। इसे मैंने पानी में इसलिए रखा है ताकि ये काले ना पड़े। अब एक मसाला पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने इक्वल क्वांटिटी में पुदीने की पत्ती और धनिया की पत्ती ले ली है, दोनों एक एक बंच ले लिया मैंने। यहाँ पे पुदीने की सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन धनिया की पत्ती का हमें डंठल भी चाहिए, तो उसके साथ ही इसे ग्राइंड करेंगे। डंठल में काफ़ी फ्लेवर होता है, तो इस रेसिपी में इसे ज़रूर ऐड कीजिए। ये देखिए इस तरह से। एक छोटे साइज़ के टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसके साथ ही एक गांठ लहसुन का ले लेंगे, उसे पील कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च को रफली चॉप करके ऐड किया है। ये रेसिपी थोड़ी सी स्पाइसी बनेगी तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसके लिए मिर्च की क्वांटिटी कम मत कीजिए, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं। सबको मिक्सिंग जार में ऐड कर दिया है, इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, लगभग 1/4 कप, और इसे हम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। अगर पानी की क्वांटिटी आपको कम लगे तो बढ़ा सकते हैं, बाद में उस पानी को हम सुखा लेंगे जब हम उसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला पेस्ट बिल्कुल तैयार है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम हरी चटनी बनाते हैं उसी तरह से इसका टेक्सचर होगा। तो यहाँ पे हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, इसे साइड कर देते हैं। अब सब्जी बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसमें कोई भी रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें आलू के पीसेज ऐड कर देंगे। इन्हें हमें 90% तक कुक करते हुए फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा नमक इस स्टेज पर ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि आलू जब पक जाए तो वो अंदर से फीके ना लगे। मिला लेंगे सबको और इसे कवर करेंगे हम लगभग 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। इतने में आप देखेंगे कि आलू थोड़े से पक जाएंगे, उसके बाद हम इसे बिना कवर करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लगभग 7 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है, अब इसे मिला लीजिए और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखिए। बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। 90% तक हमें आलूओं को कुक कर लेना है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि इनका कलर चेंज हो रहा है, अच्छी सी क्रिस्पी सी लेयर बन रही है इनके ऊपर। लगभग 10 से 12 मिनट हो चुका है इसे भुनते हुए। यहाँ पर चेक कर लेते हैं आलूओं को कि ये सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। ये देखिए इजीली कट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आलू डन है, तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। एक्सेस ऑयल कढ़ाई में ही रखेंगे, बाकी की रेसिपी हम इसी तेल में बनाएंगे। तो इस तरह से हम आलूओं को फ्राई करके साइड में रख लेंगे। अब तेल में डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच कलौंजी और इसके साथ ही यहाँ पे 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्याज को भून लीजिए कलौंजी के साथ। प्याज का रंग जैसे गुलाबी हो जाएगा, इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा हम इसमें कोई मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इसलिए ऐड नहीं कर रहे हैं ताकि इस रेसिपी का कलर हमें हरा रखना है, तो इसके लिए आप उन दोनों मसालों को स्किप कीजिए। तीखा को बैलेंस करने के लिए आप हरी मिर्च की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। मसाले को भूनने के बाद अब इसमें हम मसाला पेस्ट ऐड कर देंगे, जो हमने बना के रखा था। साथ ही डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए एक बार। मिलाने के बाद हम इसे कवर करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। इस मसाले को बहुत ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 5 मिनट कवर करने के बाद लगभग 1 मिनट और भूनिए इसे लो फ्लेम पे ही। इतने में मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पे देखिए इनका मॉइस्चर भी काफ़ी हद तक कम हो गया है, इससे ज़्यादा इसे ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम आलूओं को ऐड कर देंगे, जिसे हमने पहले से फ्राई करके रखा था। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हमें इसे पकाने, तो अब इसे हम हल्के हाथों से लगभग 1/2 मिनट तक मिलाएंगे हाई फ्लेम पे, ताकि मसाले अच्छी तरह से लिपट जाए आलू के ऊपर। और यहाँ पे रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग मसालेदार हरियाली आलू बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है सेसमी सीड, और यहाँ पे इसे गार्निश कर देते हैं। आप इसे पूरी, पराठा या फिर रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। लंच बॉक्सेस के लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।
मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।